हे माय लवली फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सबकी होली बहुत अच्छी कटी होगी। होली ख़त्म और गर्मी का मौसम शुरू, तो इसीलिए आज मैं लाई हूँ समर फ्रेंडली फुल ग्लैमरस लुक इजी ग्लिटर आई शेडो के साथ, जो किसी भी फंक्शन के लिए आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ पूजा बी चौधरी और मैं बनाती हूँ ब्यूटी, फैशन एंड लाइफस्टाइल वीडियोस। मैं एक प्लस साइज मतलब कि मोटी वुमन हूँ और मैं आज दिखाऊंगी कि आप मोटे, पतले, लंबे, छोटे कैसे भी हो, आप अपने लुक और अपीयरेंस को कैसे एनहांस कर सकते हो। उसके लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो शुरू कर रही हूँ आई मेकअप के साथ। आज मैं कट क्रीज ग्लिटर आईज क्रिएट करूँगी बहुत ही इजी तरीके से। इसके लिए पहले मैं अपने आईज को प्राइम कर रही हूँ एक लाइट शेड के कंसीलर के साथ। फिर इस आई शेडो पैलेट से ये डार्क ब्राउन कलर लेके क्रीज के काफी ऊपर एक आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ और फिर उसी पैलेट से एक लाइट ब्राउन कलर लेकर क्रीज के शेड को ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह से। इस तरह के आई मेकअप में कमाल करता है गुड ब्लेंडिंग। क्रीज को डिफाइन करने के लिए डार्क और लाइट ब्राउन शेड को रीअप्लाई और ब्लेंड कर रही हूँ जब तक कलर अच्छे से दिखना ना शुरू हो और आई शेडो स्मूथ ना दिखे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग दोनों कलर को स्विच कर करके कलर की डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट मैं अपर लैश लाइन पे लगा रही हूँ ये डार्क ब्राउन कलर और उसे जॉइन कर रही हूँ क्रीज के कलर के साथ और फिर एक स्मॉल फ्लफी ब्रश से आउटर कॉर्नर की कलर को ब्लेंड कर रही हूँ एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए। अब उसी पैलेट से ये ब्लैक ब्राउन कलर लगा रही हूँ आईज के आउटर कॉर्नर में। लिड पे लगा रही हूँ ग्लिटर प्राइमर जो कि एडहेसिव का काम करेगा। फिर सेम पैलेट से ये शैम्पेन कलर का शिमर शैडो लगा रही हूँ उसके ऊपर और इस शिमर शैडो को क्रीज तक अप्लाई कर रही हूँ। फिर ये ग्लिटर प्राइमर दोबारा से लगा रही हूँ शिमर आई शेडो के ऊपर और ये रोज गोल्ड ग्लिटर एक ब्रश में लेकर लिड पे प्रेस करके अप्लाई कर रही हूँ। फिर इसी पैलेट से ये ब्लैक ब्राउन कलर लेकर आईज के आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ कलर को इंटेंसिफाई करने के लिए। लैश लाइन पे लगा रही हूँ एक ब्लैक कलर का लिक्विड आईलाइनर और ऑफ कैमरा लगाया है फॉल्स आईलैशेस। आई मेकअप को कंप्लीट करने से पहले कर रही हूँ बेस मेकअप। स्किन को एक्स्ट्रा ग्लो देने के लिए लगा रही हूँ ये ट्रांसपेरेंट ग्लो स्टिक। ये मेकअप में ग्लो ऐड करने के साथ साथ स्किन को थोड़ा स्टिकी बनाता है जिससे मेकअप स्किन पे अच्छे से चिपक जाता है और स्मज नहीं होता है। नेक्स्ट लगा रही हूँ सेटिंग स्प्रे एज अ प्राइमर। फिर मेरे स्किन कलर से मैच करता हुआ एक कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस और अनइवन स्किन टोन को हाइड करने के लिए। कंसीलर के बाद मैं एक हाइड्रेटिंग बट नॉन ऑयली फाउंडेशन लगा रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अंडर आईज और फेस के टी जोन को ब्राइट दिखाने के लिए लगा रही हूँ अपने स्किन से दो टोन लाइट कंसीलर और इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। कंसीलर को सेट कर रही हूँ इस येलो कलर के बनाना पाउडर से जो कि फेस को थोड़ा सा और ब्राइट दिखाएगा। अब आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ पहले ये डार्क ब्राउन कलर सिर्फ लिड के आउटर हाफ पे, इसे पूरे लिड पे नहीं लगाना है। फिर इस लाइट ब्राउन कलर से डार्क कलर को ब्लेंड कर रही हूँ और ऊपर के आई शेडो से जॉइन कर रही हूँ। इनर हाफ पे लगा रही हूँ ये शैम्पेन कलर का आई शेडो एंड लोअर लैश पे लगा रही हूँ मस्कारा एंड आई मेकअप कंप्लीट। ब्राउ बोन को डिफाइन कर रही हूँ इस हाइलाइटर से। कॉन्टोरिंग के लिए मैं लगा रही हूँ ये पाउडर ब्रॉन्जर। क्योंकि गर्मी का मौसम है इसीलिए क्रीम प्रोडक्ट अवॉइड करके पाउडर प्रोडक्ट चूज किया है मैंने, इससे पसीना आने से मेकअप मेल्ट नहीं होगा।
चीक्स पे लगा रही हूँ एंगुलर मोशन में ये पिंक कलर का पाउडर ब्लश। एंड फेस के हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ ये हाइलाइटर। लिप्स को पहले मैं आउटलाइन कर रही हूँ ये डीप वाइन कलर से और फिल कर रही हूँ एक पिंकिश ब्राउन न्यूड लिपस्टिक से और फिर लगा रही हूँ एक वाटरप्रूफ लिक्विड लाइनर से एक छोटी सी बिंदी। फाइनली सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ अच्छे से ताकि मेकअप बिल्कुल फिक्स हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग रहे। इस लुक के साथ मैंने ऑप्ट किया है ये रूबी एंड सीजेड स्टोन शैंडेलियर इयररिंग्स एंड ए सिंपल ब्रेसलेट और एक ट्रेडिशनल साड़ी को पेयर अप किया है एक स्पेगेटी स्लीव्स कैमिजोल ब्लाउज के साथ। ऐसा कॉम्बिनेशन ट्रेडिशनल लुक को ग्लैमरस और ट्रेंडी बना देता है मगर नॉर्मल ब्लाउज के साथ भी लुक बहुत ही ग्लैमरस लगेगा और इस तरह का पेयर अप हर बॉडी टाइप और हर एज को सूट करेगा। ऐसा ही मेकअप आपको बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट करके देते हैं बट अब आप खुद बहुत इजीली फ्लॉलेस और ग्लैमरस मेकअप कर सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कॉन्फिडेंस देगा और आपके मेकअप स्किल को थोड़ा सा और हेल्प करेगा। और अगर आपको आज का लुक अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर से करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए लुक के साथ। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे। आई लव यू ऑल, बाय।